जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले हमने डिस्कस किया है कि पंजाब जो है ना, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बतानी है, क्योंकि ये पहले उस वक्त आप देखें कि 1967 में वेस्ट पाकिस्तान था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 14 अक्टूबर 1955 को ना वन यूनिट जो है वो बना दिया गया था, वन यूनिट के पूरा पाकिस्तान जो वेस्ट वाला, ये आज का पाकिस्तान जो है ये एक सूबा बना दिया गया था, वेस्ट पाकिस्तान। तो ये जो ये है, आपने याद रखिएगा कि ये इसको पूरे पाकिस्तान को एक सूबा बना दिया गया, और लाहौर जो है वो इसका कैपिटल था। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दो सूबे जो है ना वो बने थे। तो ये जो एक्ट है ना, इसका पुराना नाम वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट है जी, जो 1967 7 दिसंबर को आया था। इसके पीछे अगर आप देखें तो कहता है कि ये एक्ट वाज पास्ड बाय दी वेस्ट पाकिस्तान असेंबली, ने कब पास किया था, 4 नवंबर 1967 को। और फिर इसको गवर्नर ने जो असेंट दी है ना जी, वो आप याद रखिएगा कि 29 नवंबर 1967 को है, और ये पब्लिश हुआ है 7 दिसंबर 1967, और सब्सिट्यूटेड बाय पंजाब लॉ का बना है जी। आपको पता है जब वेस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया, क्योंकि ना बेसिकली तो जो है कि ये यकम अप्रैल को 19 आप कह सकते हैं 69 को जाके ना ये वन यूनिट खत्म कर दिया गया था और सूबे अलग हो गए थे, लेकिन बकायदा इसको जो है वो ला पंजाब का जो है ना 1974 में इसको पंजाब लाज में शामिल किया गया जी, अडाप्टेशन ऑर्डर के तहत 1974 में। और इसी तरह अगर आप देखें तो दिस एक्ट केम इन टू फोर्स, फोर्स में ये कब आया है, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 1968 को है जी, और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन नंबर ये है जी, 599-67-319U के, ये एक नोटिफिकेशन नंबर के जो है इसको दिया गया था। इस रेवेन्यू को लॉज को जो है ना वो आपने याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट जो है, यानी इसका नया जो इसमें अमेंड चीजें की गई हैं, और इसको आपको पता है कि बकायदा लाया गया है, कंप्यूटराइज सिस्टम किया गया है। तो ये 2019 में जो है ना, ये आपने याद रखिएगा, एक अमेंडेड एक्ट आया है, 18वां एक्ट है जी 2019 का, ये 26 नवंबर 2019 को पब्लिश हुआ था, यानी जिसमें आपको पता है कि कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो एड कर दिया गया था जी। अब आपने याद रखना है कि हमने पहला जो सेक्शन आपके साथ डिस्कस किया था वो उसका प्रियम्बल, और उसके साथ हमने उसको शॉर्ट टाइटल का किया था जी। तो अभी अगला जो आपने याद रखना है कि इसका सेक्शन आता है वो सेक्शन 2 है, टू नंबर टू पे क्या है जी, तो कहते हैं पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम दी प्रोविजन। आपने याद रखना है कि सेक्शन 2 का टाइटल है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम द प्रोविजन, आ गया ना जी अपना, किसी प्रोविजन को किसी एरिया में इंप्लीमेंट नहीं किया जाए तो वो क्या होगा जी। तो आप याद रखें कि प्रोविजन अनसूटेड देयर टू, यानी कि कोई एक प्रोविजन है वो किसी एक एरिया पे सूट ही नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या होगा जी। तो उस एक्ट को मैं ना सेक्शन को पढ़ता हूँ, आप याद रखिएगा कि कहते हैं शुड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन एरिया, किसी एरिया के कुछ सर्कमस्टेंसेस इस तरह के होते हैं कि इन विच द एक्ट दिस एक्ट आर एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन, कोई उसकी प्रोविजन जो हैज बिन ब्रॉट इनटू फोर्स बी सच दैट इन ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट दैट द प्रोविजन और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज अनसूटेड देयर टू, वहां पे सूट नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट बाय बाय नोटिफिकेशन एक्सेप्ट दैट एरिया फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सच प्रोविजन, देयर अपॉन दोज प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू सच एरिया अंटिल द नोटिफिकेशन इज रिसेंडेड। अब याद रखिएगा कि कोई एक प्रोविजन, कोई एक शिक जो है ना किसी खास एरिया पे वो उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रही, जैसे आप देखो ना मालिया लिया जाता है नहरी पानी से, और एक एरिया में नहर गुजरती नहीं है,
तो वो मालिया वहां से नहरी जो पानी का मालिया है वो वहां से कलेक्शन नहीं हो सकती, तो वो एक ना स्पेशल नोटिस के जरिए वो एक प्रोविजन, एक शिक जो है वो उस एरिया में से खत्म कर दी जाएगी, उतना अरसा खत्म रहेगी जब तक कि कोई नया नोटिफिकेशन उसको खत्म ना कर दे, यानी उस प्रोविजन को, उस जो प्रोविजन को खत्म किया गया था उसको कोई नए ऑर्डर के तहत, या वहां पे नहर निकल आती है, वहां पे नहर दी जाती है, तो दोबारा से मालिया वहां का स्टार्ट हो जाएगा। तो अब याद रखिएगा कि सेक्शन 2 जो है वो सिंपल ये कह रहा है कि किसी खास एरिया में एक शिक है, एक्ट जो है, एक्ट का एक पॉइंट जो है वहां पे इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, वहां पे वो चीज, वो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी ही नहीं है, तो लिहाजा वो शिक जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके साथ कहता है, व्हाइल सच एक्सेप्शन एज अ फोर्स एड रिमेन इन फोर्स, गवर्नमेंट मे फ्रेम रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैटर सो एक्सेप्टेड सो फार एज मे बाई द रूल्स शेल बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल स्पेसिफाइड द पीरियड ऑफ विच फॉर विच सच एक्सेप्शन शेल रिमेन इन फोर्स। वो कहते हैं कि जहाँ पे ये हम मतलब ये प्रोविजन या ये नोटिस लेंगे, वो गवर्नमेंट उसकी मुद्दत बता सकती है कि इतने अरसे तक जो है कि ये जो प्रोविजन है यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगी, अगर हालात चेंज हो जाएंगे, इलाके की सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी, तो दोबारा से ये इंप्लीमेंट हो सकती है जी। फिर एक सेक्शन 3 आपने याद रखना है जी, लैंड रेवेन्यू, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 3 है। इसमें वो कहता है कि हम ना कुछ, आप याद रखिएगा कि क्या सिचुएशन होती है कि एक्सक्लूड कर दिया जाता है, कुछ एक्सक्लूजन की बात करता है जी, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट। अब याद रखिए, कहता है कि जनाब इतना द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिटेनिंग अपना एक्ट रिलेटिंग टू द असेसमेंट, यानी असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एन एरिया नोटिफाइड द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब ये देखिए ना कि किसी इलाके की असेसमेंट पे पाबंदी लगा जाती है कि ये असेसमेंट नहीं आप कर सकते और कलेक्शन नहीं कर सकते। सेम वही मैंने जो पहले एग्जाम्पल आपको दी कि जैसे कि एक एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है, बंजर जमीन पड़ी हुई है, वहां पे नहरी पानी ही नहीं है, ठीक है ना जी, तो उस जमीन की कलेक्शन यानी रेवेन्यू की कलेक्शन और असेसमेंट का फायदा ही नहीं है, तो वो रोक देते हैं, कोई सहरा है तो वो जमीन जो है उस पे ये शिक इम्प्लीमेंट नहीं होगी। कहता है इट शेल बी लॉफुल फॉर द कलेक्टर एक्टिंग अंडर द जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू डिटरमन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट व्हाट लैंड आर इंक्लूडेड विद द साइट ऑफ टाउन आर विलेज टू फिक्स एंड फ्रॉम टाइम टू वेरी द लिमिट ऑफ सेम रिगार्ड बीइंग हैड टू ऑल द सबसिस्टिंग राइट ऑफ द लैंड ओनर्स। अब याद रखिएगा कि इसमें वो कह देता है कि कलेक्टर के पास राइट है जो वो किसी एरिए को, किसी जमीन को, वो विलेज एरिया ठीक है जी, वो फिक्स कर दे, टाउन विलेज, आप देखिए ना कि विलेज जो की जो जमीन होगी इससे मतलब जो जिसमें मकान आते हैं उससे रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकती, तो ये वो कहता है कि कलेक्टर के पास राइट है कि वो वक्त के साथ साथ जो है वो किसी एरिया को टाउन ठीक है जी और विलेज फिक्स कर सकता है, और उसकी लिमिट वक्त के साथ साथ बढ़ाई और कम की जा सकती है। पहले आप याद रखिएगा कि पहले गांव छोटे थे तो आबादी थोड़ी थी तो ज्यादा एरिया एग्रीकल्चर था, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई तो एरिया गांव का बढ़ता जाएगा, जहां जहां मकान आते जाएंगे तो वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होती जाएगी और विलेज एरिया बढ़ता जाएगा, तो ये कलेक्टर जो है उसके पास राइट है कि वो एक्सक्लूड कर दे जी।
जमीन लैंड को रेवेन्यू लैंड से, यानी कि जिसमें असेसमेंट करनी है, जिसमें लैंड कलेक्शन करनी है, ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा कि हमने तीन सेक्शन अभी पढ़े हैं। पहला शॉर्ट टाइटल का था, दूसरा उसकी पावर्स हैं कि कहाँ पे कोई शिक जो है वो अनसूटेड है तो वो उसको मतलब निकाल देना है, तीसरा ये है कि कलेक्टर के पास राइट है कि वो क्या कर सकता है कि वो असेसमेंट और कलेक्शन का जो एरिया है ना उसको बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है जी। समझ आ गई जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है फोर, वो है डेफिनेशंस का, और ये डेफिनेशंस आपको होता है पेपर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ जो हम लेक्चर करेंगे उसमें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी, और वो हमारे एमसीक्यूज पेपर के लिए बढ़िया है। तो इंशाल्लाह अगला सारा लेक्चर जो है वो डेफिनेशंस पे होगा, फिर आगे फंक्शंस आ जाएंगे, पीरियडिकल रिकॉर्ड क्या होता है, म्यूटेशन क्या होती है, असेसमेंट क्या है, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। अब तक इतना जी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आपके साथ जो है वो मजीद चीजें डिस्कस करेंगे।